मारू महला पहला शब्द फरमाते हैं कि जो हमारा राम है वो असल सिंहासन क्या राक्षस को मारने वाला है। दुनिया में दो ताकतें काम कर रही हैं, देश या राक्षस कह लो, पॉजिटिव नेगेटिव कह लो, मुंसिफ मंत्री कह लो, काल शैतान कह लो। कहते हैं जो हमारा राम है राक्षसों को मारने वाला है। सवाल पैदा हुआ, विद्वान साहब ने कहा कि हमारा राम राक्षसों को मारने वाला है तो क्या यही राम है, क्या उनका राम से अलग राम है? संतों पर संतों का राम दुनिया के राम से न्यारा है। साहब ने इस बात को बड़ा खोला है, लिखा है जग में चारों राम हैं, तीन राम व्यवहार, चौथा राम निस्कार है, तीन का करो विचार। चार राम हैं, तीन तो कारिंदे हैं, चौथा असली है। कौन से हैं? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम कटकट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब से न्यारा। कि एक तो वो राम जो राजा दशरथ के साथ पैदा हुए, हिंदुस्तान के राजे थे, अपना काम किया चले गए। दूसरा राम कहते हैं रमते सतरामा, जो चीज जर्रे जर्रे में रमी है उसको कहते हैं राम। दूसरा मन राम है, वो सबके अंदर रमा हुआ एक ताकत है, जीव एक और सकल श्रीरा इस मन को रख रहे सूर्य, ये काल के एजेंट है। एक मिनट नहीं टिकता, बड़ा चंचला है, कभी यहाँ है कलकत्ते चला जाएगा, मुंबई चले जाएगा, इंग्लैंड चला जाएगा, मिनट में बैठे बैठे कई जगह पे आएगा, एक मिनट नहीं टिकता। इसका प्रेम राम है, उसका काम क्या है? सृष्टि को चलाना। उसके तीन काम है, पैदा करना, पालना और श्रृंगारना, इस सृष्टि को चलाना। चलाने के लिए उसने पहले तो विश्वकार लगा दिए, अगर भक्ति भी करे, जब तक तीर्थ वगैरह बाहर के साधन बना दिए, उसने अपनी मुक्ति भी बनाई हुई है जो कल पर्यंत है। क्या 1000 चपड़ी युग के बाद फिर इसको चुरासी में आना पड़ता है? चौथा न्यारा राम है, जिसको गुरु नानक साहब ने अकाल पुरुष का है, सतपुरुष का है, सतगुरु का है, मुसानी धन का है, हजना जिंदा राम का है, मुसलमान सब कहते हैं। वो जो चौथा राम है वो आत्मा का पति है, वो आत्मा की अंश है, वो मुक्ति का दाता है। जैसे ये गवर्नमेंट चल रही है, अंदर भी गवर्नमेंट चल रही है, जैसे अफसर हैं वहां भी अफसर हैं, वहां भी उनके हुक्म चल रहे हैं। जो मुक्ति का दाता है वो न्यारा राम है, सतगुरु है, वो सतपुरुष है, वो काल पुरुष है। लिखते हैं तीन गुण की भक्ति ने भूल रहा संसार, कहें कभी सतनाम दिन कैसे तेरे पार। इस सारी दुनिया तीनों रामों फंसी हुई है, चौथे को किसी को पता नहीं। सतनाम क्या, जो
सत नाम क्या, सच्चे नाम रूप में सब जगह रमा हुआ है, जर्रे जर्रे में है, उसके बगैर छुटकारा नहीं। एक दूसरी साल में लिखा है, धीरे तो आस सुनाऊ, जीव सुरत की संद लिखाऊ, चौथे महल पुरुष स्वामी, जीव अंत अंतर्यामी। अपने शिष्य को बताते हैं, कहते मैं तुम्हें बताता हूँ कि जीव कहाँ से आया है, जीव का क्या तुल्य है मर्ग से। कहते हैं त्रिलोकी से पार चौथे लोक एक मालिक स्वामी है, सबका मालिक है, ये जीव की अंत है। चौथे महल पुरुष स्वामी, जीव अंत का अंतर्यामी, उनकी अंश जीव जग आया, करता पांच पद मिलाया। की अंश तो वहां से आई थी, तो ब्रह्म राम ने इसको कैद किया है पांच पद के पुत्रों, बल्कि तीन शुरू में कैद है, पहले कारण शरीर है, उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर है, उसके ये सूक्ष्म शरीर है। कर्ता ने काया रची जुग 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 विस्तार, सात देव सराय के घर घर कर प्रकार, जिसने इसको ऐसा कैद किया है कि जुग जुग से मुक्त जीने में धक्के खा रहा है, अपना घर ही भूल गया इसको। अब जैसे श्री रामचंद्र जी ने बाघ आश्रम को मारा, वो क्या करते थे, हमारे सन को पुकारते थे, खाते थे। इसी तरह अंदर वाला राम अंदर वाले राक्षसों को मारने वाला है। वो कौन से हैं, मन काम क्रोध ओंकार काल महाकाल, जो ताते रूप को मर के घर अपने घर पहुंचने में रुकावट रखती हैं, वो सारी इसके भी राक्षस हैं। वो उनको मारने वाला है, उनसे बचाने वाला है, वो राम की कहलाता है। हाँ जी कहते वो राम सबके साथ है, सबके अंदर है, जिसको हम अलग करते हैं, जो लखने से परे है उसको कौन लगते हैं, कौन देखते हैं, गुरुमुख जो अंदर जाते हैं, गुरुमुख जो अंदर जाते हैं, हम सब कहते हैं हमने देखा है। अलग कौन कहता है, जो बाहर मुख गिर रहे हैं वो अलग अलग कहते चले गए, जो अंदर गए गुरुमुख बने, उन्होंने देखा तसल्ली की, उन्होंने लिखते हैं देख देव संसार सुबह बाहर नान का पाशद से बाहर ने कहा है दादू देखा पीता सबको कैसे मिलता, ये सारी दुनिया बड़े अपराध सुना सुनाया कहती है, लेकिन मैं आंखें देख कहता हूँ। यही गुरु अमरदास का है अदृष्ट अगोचर लख निरंजन, तो गुरु देखे आंखें, फिर जो इन आंखों से देखा नहीं जाता वो आंख और है, जो मन को देखने वाली है, वो मन का विषय नहीं, वो हाथों से छुआ नहीं जाता है, कानों से उसकी आवाज सुनी नहीं जाती, ना कुछ देखा नहीं जाता, जिससे है मन बुद्धि से परे है, जो उनको गुरुख ने देखा है, जो अंदर जाते हैं गुरुख का बनता है। अभी सुनाया कि आत्मा की शुरू में क्या है, पहले कार्यशील है, उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर है, उसके ऊपर स्थूल शरीर है, और अनेकों पर्दे काल ने इसके ऊपर डाले हुए आत्मा के। अगर हमारी आंखों पे पर्दे डाल दें तो क्या हम देख सकेंगे, लेकिन जीवन जो पर्दे उतारते उतारते जाओगे कुछ रोशनी नजर आएगी, जब सब पर्दे उतर गए तो चित्र देख सकेंगे। इस
देखो पर्दे डाले हुए हैं, जब ये सारे पर्दे उतारे तीनों शरीरों से निकले तब ये दुरुस्त बनता है, तब माल को देखने की काबिल बनता है। ऐसे नहीं, त्रिलोकी तक इस पर्दों में कोई जीव सुखी नहीं, सब बंदरों में है। तो पीहा जाए पुकारे पंछी ना ले रोए, या तीन लोग फिर आए बिंदु फिर त्रिलोकी तक ले गए, कोई जीव सुखी नहीं, सब पर्दों में डरे हुए हैं, सब दुखी हैं। हाँ जी साधु जो साधना करके अंदर क्या है गुरुमुख बने, वो तेरे पास पहुंच गया, तूने उसे जन्म मन से परी कर दिया, अपने साथ मिला लिया, क्या मालिक हमें भी उन गुरुओं की सोबत दे, हमें भी उनकी शरण में ले जा, ताकि हम भी गुरुता का कोर्स करें, जन्म मन के बंधन से छूट जाए, तेरे पास पहुंच जाए। साधु किसे कहते हैं, जो प्रेम देश के पार पार प्रेम पहुंचे, उसका नाम साधु का है। पार प्रेम साथ देते रहते नान गुजरे साथ में रहते, जो प्रेम के पार पार प्रेम में जाए अंतर में ना आए, उसका नाम साधु है। दूसरा ने लिखा है कि नौ दरवाजे खाली करें, यहाँ से आगे जाकर अमृतसर में नहाए, सब साधु बनता है। सात सोई जिन एक गढ़ लेना, नौ दरवाजे प्रगट कीना, दसना खोल जाए जिन दीना, हम इन नौ दरवाजे में फंसे हुए हैं, दो आंखों के, दो कानों के, दो नाक के, छह एक मुंह का तार, दो टट्टी चार के, अंदर दसना है, वो मालिक के घर पे रास्ता है, उसको खोले फिर अमृतसर में आए, दस में खोल जाए जिंदगीना, जिसकी आंखों को राह मारा है, वहां जाए अमृतसर में आए, सब साधु बनता है, उसका नाम साधु है, रंगे कपड़े का नाम साधु नहीं। हाँ जी नजर मारते हुए हमें बताते हैं कि सारा संसार जितने जीव हैं कुल खंड ब्रह्मंडों में सब आग और पानी के समुद्र में गोते खा रहे हैं। आग का समुद्र कौन सा है, दूध के नरक, पानी का ये दुनिया का स्वर्ग, कभी नरकों के दुख भोगे नरकों में सड़े, कभी सुखम सुख हो गए वहां से फिर चुरासी में आए, कभी मिट मंडल में आए, कभी कीड़ा पतंगा हाथी घोड़ा वगैरह बने, इसी से धक्के खा रहे हैं, युगों के युग बीत चुके हैं। इसी से जितने जीव हैं सब आग और पानी के समंदर में गोते खा रहे हैं, इनसे निकालने वाला कौन है, वो न्यारा राम, वो जिंदा राम, वो सच्चा सदगुरु, वो सतपुरुष, वो कालपुरुष, गुरु सदगुरु पार उतारा है,
उसके बगैर कोई उसको निकालने वाला नहीं। ये बात ये जन मन से बंध छुड़ाने वाली है, ये सतगुरु ने अपने हाथ में रखी है। जो रचना का काम किया है वो ब्रह्म कहो काल का उससे किया है। खंड पाताल जी सब लोहा सब काले का साफ कर दिया, मल ने आप ही खेल डाला है। हाँ जी सच्चे सतगुरु का पता नहीं, किसी को अपने सच्चे देश का पता नहीं भी कहां से आया है, कितनी खुशी और शांति का है। जो फकीर वहां गए हैं उन्हें वहां का आनंद दिया है तो उनका इस जगह आने को दिल नहीं करता, वह तो खुशी और शांति का देश। गुरुवीर सिंह लिखते हैं दो ते एक रूप हो गयो कितना जो हमरा पावन को चुभी रहे सुर प्रभु चरणन में, ज्यों त्यों प्रभु हमको समझायो इन कहते लोग उठायो। कि पहले मैं लगता के भक्ति करके मालकी दुर्गा में गया, जब वहां खुशी और शांति और आनंद और प्रेम को देखा तो वहां से मेरा दिल आने को नहीं करता, लेकिन मालिक ने ज्यों त्यों करके समझा कर भेजा कि तेरा तो छुटकारा हो गया, तू तो अपने देश में जब मर्जी आ जब मर्जी जा। उनको समझा जाकर शायद तो मान जाए। यही दास ने लिखा है देखो पूरा शहर को ना तू कंदो नहीं पूछा, न तस्वीर न खराज नमाज खौफ न खतर न तस्वा हम और खूब वतन गह पाई वहां खैर खुदा मेरे भाई। उस देश का नाम बेगमपुरा है, वहां कोई काम नहीं कोई चिंता नहीं कोई तस्वीर नहीं कोई चिंता फिक्र नहीं, ना वहां कोई टैक्स लगाने वाला है ना टैक्स है, ना कोई गुनाह करता है ना गुनाह की सजा है। मैं खूब तसल्ली करके आया हूँ अब मुझे खूब वतन कर पाई क्या वहां खैर सदा मेरे भाई, वहां खैर ही खैर है, सुखी सुख है, आनंद ही आनंद है, प्रेम ही प्रेम है, वहां के एक ही मालिक का सत्पुरुष, दूसरे तीसरे का सवाल ही नहीं। जो वहां पहुंच जाता है अपने देश में उसकी खुलासी हो जाती है, वो आजाद हो जाता है। कुल खंडो ब्रह्मंडो में जहां मर्जी आए जहां मर्जी जाए उसको कोई रोकने वाला नहीं। मैं हूं तो चुमार लेकिन मेरी भी खुलासी हो गई, जिधर मर्जी जाऊं जो वहां जाता है वो हमारा साथी है वो मित्र है, ये देश हमारा वो खुशी और शांति का है। फिर उन्हें आतरंग समझाया ऐसा देश है तुम्हारा लेकिन मनमुख है अंधा है सुनता ही नहीं बार बार जमता है मरता है याद ही नहीं वो देश पता ही नहीं। लिखा है तुम जात न जान तुम्हारा हो क्या तुम्हारा तुम्हें तो अपनी जात से पता नहीं, पूछ लो कौन है, कोई कहकर मैं सनातनी हूँ कोई का आर्या हूँ कोई का खालसा हूँ कोई का राधा स्वामी हूँ कोई का अनंतारी हूँ कोई का सच्ची सत्य वाला हूँ पता ही नहीं ये है कौन। कहो मेरे राम के अंत ये राम के अंत है सतपुरुष के अंत है इसकी जात है वो तुम आए कहाँ से आए झूठा कर बताया हो इसको पता है कौन सा देश है किस जून से आए हैं कहाँ जाएंगे यहाँ झूठे पुकारे फंसे हैं। माटी की बूंद पिंड की रचना तामे प्राण प्यारा हो लोग लहर में मोखी धारा फिर दिन आगे सारा हो ये मिट्टी का जिस्म है इसी में सारे गुजार के चले गए इसी के लोग लालच में फंस गए इसके पालने में फंस गए माल के वसार दिया
सारी दुनिया मन के गुलाम है, मन के मन काल के एजेंट है, इसने बाहरी बार फसा दी, जिसके पालने फसा दिया, मन के खाना, मन के पीना, मन के घर रिश्ते नाते कमों बस में झगड़े फंसा दिया। नंद गए ना सदगुरु को के पास पहुंचे, ना अपने देश से आए, ना छुटकारा हुआ, ना जन्म के बंधन छूटे, इसे दस बार चल रहा है। सारी दुनिया मन का नहीं है, किसी को होश नहीं, बार बार जमते हैं मरते हैं, जमते हैं मरते हैं, फिर जमते हैं फिर मरते हैं, इसे चुरासी होते दुआ के लिए दी गए। मन मुख अंधले चलाने के लिए काल ने पाप और पुण्य का जाल डाला है। ये बीज है जिसे दुनिया चलती है, पाप उन बीज की पोट, पाप उन बीज की पोट, ये बीज है जिसे दुनिया चलती है। ये महात्मा चरणदास कहते हैं, पाप उनके सत्य ही ठहर बस रहा ब्रह्मांड, इन दोनों से मिट्टी हो कण कण, ये सारी दुनिया पाप और पुण्य से चल रही है। जैसे उन्हें पीछे फसलें बोई, अब वो खा रहे हैं, अब बोएंगे फिर खाएंगे, फिर बोएंगे फिर खाएंगे, इसी तरह जो अच्छे कर्म किए पीछे वो अब भुगत रहे हैं, फिर करेंगे फिर भुगतेंगे, फिर करेंगे भुगतेंगे, इस तरह धक्के खा रहे हैं, इसी तरह धक्के खा रहे हैं। कर्मों के जाल से ना निकले, अच्छे कर्म किए सुर्गों में चले गए, सुर्गों के सब भोग गए, फिर चुरासी की आ रहा है। श्री भगवान ने लिखा है, हे उद्धव, ये जो पीड़ा जा रहा है, ये कई दफा सुर्गों का राजा इंद्र बना, कई दफा सृष्टि का कर्ता ब्रह्मा बना, आज ये पीड़ा है, फिर उन सुर्गों को क्या फायदा? बुरे कर्म किए नरक में चले गए, वहां के दुख भोगे सजा भोगी, चुरासी में ये गंदी दुनिया में आया, इसका अंदर पाप उन दो भाई, दो में मिलते सृष्टि पाई, दो में मार जाए कि घर आवे गुरु मस्तर सुना नहीं है। जितने हमारे शरीर हैं ये पापो पुण्य से बने, ये पापो पुण्य से सारा काम चल रहा है, इनसे परे निकले तब छुटकारा नहीं, छुटकारा नहीं। अगर हमें पता चल जाए कि हमारे कर्मों ने हमें संसार रखा है, तो हमें इस जाल से निकलना चाहिए। सोचो हमें इस जाल से निकलना चाहिए। कई कहते हैं अच्छे कर्म किए जाओ मुक्ति हो जाएगी, छुटकारा हो जाएगा, वो भी बंधन है, अच्छे कर्म बंधन है। कृष्ण भगवान ने लिखा है, अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों ही अटकड़ियां हैं, एक दोनों संग लिख लो, संग लो छुटकारा तो ना हो, ये दोनों ही बंधन है, दो किसी में छुटकारा नहीं। जितने कर्म धर्म वगैरह है, नीचे धरती की धरती है, काल की धर की धरती है, बंधनों से निकलता है। कर्म धर्म सब बंधना, पाप संबंध ममता मोह बंधना, पुत्र सो धन, जहाँ देखा था जूरी माया का संबंध, नान सबके नाम दिन वर्तन करते हैं, सारे देखा था सब ने अंधेरे में फिर रहे हैं। हाँ जी, पूरा बल के किसी को खबर नहीं। हमारी आत्मा तो मन बाहरी बार ये कर रहा है,
हमारी आत्मा को मन बाहरी बाहर लिए फिर रहा है, अंदर जाने नहीं देता। ये एक मिनट नहीं देता, न सोते हुए न जाते। अगर सोता है तो सुपनों में घरों भरों के काम करता है, बाजारों में फिरता है। अगर जागता है फिर भी दुराए फिर रहा है, सोच लो और चुप करके बैठो फिर भी नहीं टिकता। रिक्त आदमी जहां जहां बैठा अपने जाल काम पे बैठा है। जिम्मेदार अपने काम में मातमी ख्यालों में है, दुकानदार अपने ख्यालों में है, जिस जिसको देखो अपने अपने ख्यालों में मस्त है। सोच लो और जो 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 आप लेके रखता है उसको पिछड़ा सुनने लगता है। जैसे कर्म करते हैं उसके मुताबिक बुद्धि बनती है, बुद्धि के मुताबिक जिसको फिर अगला जन्म मिलता है, फिर आगे कर्म करता है, इससे चुराती के चक्कर में फिर रहा है। अब इंद्रों के भोगों के लिए, विषय विकारों के लिए क्या क्या नहीं करता, चोरियां ठगियां, सोचो धूप तूफान कतलो खून क्या क्या नहीं करता। हाँ सारी दुनिया अंधी है, किसी को सोची नहीं, किसी को होश नहीं। काम को लोगों का इसकी मिट्टी की करती है। काम का विषय आया, जिस दिन पीछे गया जेलों में गया, फांसियों पे चढ़ा, पीछे किसी दिन बात में आई किसी धर्म स्थान पे, कोई बीबी बैठी अपना पूजा पाठ कर रही थी, कमरा बंद था, एक बदमाश दरवाजा खोल के अंदर चला गया, तो उसने वहां चाकू था या क्या था, उसने उसको वहीं मार दिया। किसने मरवाया? काम में। सोच लो लोग के लिए क्या क्या नहीं करते। रोज अखबारों में पढ़ते हैं कितने कत्लो खून हो रहे हैं, कौन कराता है? लोग चोरी छुपियां कौन कराता है? लोग सोच लो मान गई के लिए लीडर क्या करते हैं, एक दूसरे कत्लो खून कौन कराता है? मान गई ये काम तो मिट्टी की कर रही है, इसको होश ही नहीं। हाँ अंधेरे को पूज न करी लोग अंधकार। मैं अपने काम कर रहा हूँ, ये सब प्राय काम तो लोगों का क्या साथ जाएगा, इससे जमीने ज्यादा दे जाएंगे, पैसे साथ जाएंगे, माँ बाप बहन भाई जाएंगे, सोचो क्या साथ जाएगा, फिर किसने जाएंगे, सब यहीं रह जाना है। औरत है या तुम्हारी लड़की है, अगर वो हार श्रृंगार करे किसको दुखाए, किसको दुखाए? आत्मा का पति सतगुरु काल पुरुष इसके अंदर है, उस पर जाती है, उसको भूल ही बैठी है, इसने मन को पति बना लिया है। बल्कि मन भी अपने बस में नहीं, वो इंद्रियों के बस में आ गया है। जो इंद्री चाहती है उसको खेचे ले जाती है, आंखों की इंद्री अच्छे अच्छे रूप से कर उसको खेचे फिर रही है, जुबान की इंद्री खट्टे मीठो रसों की तरफ खेचे फिर रही है, उसको चोरियां ठगियां करवाती है, क्या क्या नहीं करवाती, चोरी ये करवाती है, चोरी है, सोचो क्या क्या नहीं करवाती। एक आदमी था, कुछ अफसर, कोई बड़ा अफसर था, किले में था, वहाँ किले में हर चीज होती है,
उसने एक आम उठा के टट्टी में जाकर खाया। बोलो किसने खिलाया? निजियों का गुलाम हुआ पड़ा है। सोचो जो समझदार हैं, कुछ मालिक का ख्याल रखते हैं, उनको भी मान अंदर नहीं जाने देता। किसी को तुलसी में तुलसी पूजा में ला रखा है, किसी को पीपल की पूजा में ला रखा है। सोच लो किसी को जंड की, किसी को सब, किसी को सन है, किसी को देवी, किसी को देवता, सब को फरमा रखा है। किसी को अपने पति सदगुरु के पास जाने नहीं देता। महात्मा चरणदास कहते हैं, पति की ओर नहारी औरत से क्या काम, सभी देवता छोड़ के जपी ऐसा नाम। राम पुरुष को छोड़कर करे देवता की पूजा, ये नहीं उनका पूजा का फल नहीं फल है, मगर जन्म के बंध नहीं छूटते, छुटकारा नहीं, मुक्ति नहीं। राम पुरुष को छोड़कर करे देवता की पूजा, देश का की रीत स्वतंत्र को दे पूजा। इसके दो ही मित्र हैं, यह संत ये अंदर सत्व। सेवा तो दोनों भले एक संत के ग्राम, राम जो दाता मुक्ति के संत जीवा है राम नाम। यही महात्मा अर्जुन साहब कहते हैं, शरण को छोड़कर पूजत मूर्त विकार, संत चरण को छोड़कर पूजत मूर्त विकार, पर मूर्त रोई कर देवा जीव छुटकारे वाला तो न्यारा राम है। सतगुरु कह लो, न्यारा राम कह लो, सतपुरुष कह लो, काल पुरुष कह लो, उसके बगैर छुटकारा नहीं, उसकी भक्ति के बगैर छुटकारा नहीं। हजारों जतन कर ले, चुरासी खत्म नहीं होती। बस हाँ जी, तेरे बिन क्या सिद्धा सिवारा, पर तेरे आती खत्म सारा, जो जैसे एक देवता के पास हजारों आदमी आते हैं, उसके अगर कोई लड़का हो जाए तो किसका लड़का कहलाएगा, किसकी जायदाद का वारस होगा, उसका बाप कौन होगा। इसी तरह आत्मा ने मन के कहने से 3600 पति बनाया है, अनेकों पति बनाए हैं। कभी ज्ञान, कभी पिपल, कभी सन्ने, कभी देवी, कभी देवते, कभी काम में, कभी क्रोध में, कभी लोभ में। सोचो मौत के वक्त छुटकारा कौन दे, कौन संभाले। सोचो जितने इसके कार्य विकार हैं, जितने कर्म धर्म हैं, वो सब बेकार है मौत के वक्त, कोई इसको सहर देने वाला नहीं। लिखा है सब जप, सब तप,
सब चुराई, उजड़ भर में राह न पाई, बिन गुजे कोई था न पाई, नाम हमने माते चाई। कि जितने जाप हैं, जितने ताप हैं, जितनी चित्राइयां हैं, कोई काम नहीं देती, तो गैर के नाम के कोई छुटकारे वाला नहीं। ये ठीक है, कोई जाप पैरों का करता है, कोई देवी का करता है, कोई हनुमान का करता है, कोई किसी करता है, उन जपों के करने से वो शक्ति इसके अंदर प्रकट हो जाती है, इसके काम भी करती है, इसकी रक्षा भी करती है, लेकिन जन्म के बंध नहीं छुड़ा सकते, ना वो आप छूते हैं, ना दूसरे को छुड़ा सकते हैं। अभी उन्होंने लिखा है, सब जब सब 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 सुधराई, उजड़ भर में राह न पाई, सब उठे रहते हैं, बिन बुझे कोई था न पाई, नाम उन्हें मरते चाहिए। ये कौशिकी ने लिखा है, तो कुछ धर्म पकड़ कर जूझे, बुझे ना शब्द पारा, पानी मथे हाथ कुछ नाई, खीर मथन आग पारा। खीर मथन क्या, जब जितनी गांठ खोलनी, अंदर शब्द नाम से कल जोड़ना, ये मुश्किल है, बाहर से सारे आसान है। जीव भार कहूं मैं क्या क्या, बाहर धर में वारा, अंतर मुख जो शब्द कमाई, कामे मानने का, बगैर शब्द की कमाई के कोई छुटकारे वाला नहीं। जिया रे वाला नाम का अवर जिक्रा में करामनो सिर में भाव जानता, सिर दूसरों का बैर नहीं छुटता। अर्जुन तो से छुड़ाने वाला है, तो सच्चे नाम की भक्ति है, सत्पुरुष की भक्ति है, कालपुरुष की भक्ति है, जो नाम रूप में सब जगह रुमा हुआ है। हाँ जी, कहाँ जाएंगे चिरासी में, भूतों पितों की जूनों में, उनको अंधेरी को बंद किया जाएगा, वो दुखों में से आए, दुख में गुजार आए और दुखों की समान पैदा कर चलेगा। भक्ति के कोई मुक्ति देने वाला नहीं, कोई छुटकारे वाला नहीं, कोई शांति देने वाला नहीं। बाकी जितने कर्म धर्म वगैरह करते हैं, उनको जरूर कर्म रहते जाना पड़ता है। मौत के वक्त अर्जुन के बाद मौत आती है, मौत के वक्त जमदूत आकर उसको पकड़ कर ले जाते हैं धर्मराय के पास। धर्मराय वो मैजिस्ट्रेट है, हमारे कर्मों के हिसाब से अगर अच्छे कर्म किए हैं तो कुछ दिन सुखों में भेज देगा या अच्छी दुनिया भेज देगा, अगर बुरे कर्म किए हैं तो गंदी दुनिया भेज देगा, ज्यादा बुरे हैं नरकों में। लेकिन चिरासी खत में जरूर जाना पड़ेगा, साफ देना पड़ेगा, छुटकारा नहीं। उन पाप जो बीज है सब कर्म रहते चाहिए, बिन सतगुरु जम काल न छोड़ी दूजे पाए पाई, बगैर सतगुरु जाति कोई छुटाने वाला है ही नहीं। कर्म रह जरूर जाना पड़ेगा। जिन हर का न
आपके सूरज तप रहे हैं, आपके थम तप रहे हैं, आपकी लाटें मिल रही हैं। अगर वहां से एक कंगियाड़ा आ जाए तो सारी दुनिया को पूछते, सारी दुनिया को जला दे। थोड़े दिन हुए, दो तीन साल की बात है, अमेरिका ने स्काई लाइफ छोड़ा था, कितना फिक्र पड़ा दुनिया को। जहां वो गिरा घोड़े पागल हो गए, कुत्ते बेहोश हो गए, मर गए। तो ये तो बाहर की बात है, अगर वो वहां का चिंगाड़ा आ जाए तो क्या हाल होगा इसका। लो सुनाते हैं, वहां ये हाल है, न तो हाल पशु को देखो, कहते मनमुख है, पशु है, कोई विचारता नहीं, बेतालों की तरह फिर रहा है, बेहोश फिर रहा है, कोई छुटकारे का बंदोबस्त सोचता नहीं, अब ये हाल होगा। एक प्रेमी आपने बैठा, उसने सुनाया कि मैं अंदर गया तो शिव सैन जी आ गए, अब मुझे ले गए। क्या तुम्हें सुखाए तमाशा, नरकों में गए, वहां जैसे बीमार लंबी से छिलता चमड़ा ऐसे छिल रहे थे। मुझे ये क्या है कि जो भजन नहीं करते उनका हाल ये हो रहा है। अब तो कोई सोचता नहीं, सब सारी दुनिया मस्त है, बस होश नहीं, जो अंदर जाते हैं वो देखते हैं इसका हाल क्या हो रहा है। पीछे लग गया, कूड़ खाया, कूड़ पिया, कूड़ इसका दीन मान, कूड़ी जमा किया, सोच लो। फिर कूड़ के पीछे जुल्म सती किए, अपना तुम क्या करना पड़ा, क्या ये कूड़ का रोगी है, कूड़े में फंसा हुआ है, हाँ जी, इसलिए दुख उठा रहा है, हाँ जी। आता मनसा कलर लग जाता है, जमीन को खराब कर देता है। इसी तरह ये नेकी बदी में फंसा हुआ है, जितने पाप हैं ये नेकी बदी खा गई, सदगुरु की भक्ति ना की, असली चीज ना पकड़ी। जिस वक्त मौत आई, जितने इसने कर्म किए अच्छे या बुरे, सबकी गंठड़ी बांध कर सिर पर रखते हैं, चल सिर पर बोझ है, चला जाता नहीं, आगे आपका समुन्द्र है, उसमें से निकलना है, अब चला जाता नहीं, कैसे निकले, किसी जमदूत हैं, डंडे मारते हैं, सिर पारा क्योंकि बहुत जल्दी पारा। ये कॉफी ने लिखा है, कर्म भार से ऊपर लादा
धीरे धीरे काल का ज्यादा जितने इसने कर्म किए हैं अच्छे बुरे उनकी गठरी बांध के सिर पर रखते हैं। काल का प्यादा क्या जंदूर पीछे हैं डंडे मारते हैं चल प्यादों के संग जिसको थी सत्पुरुष की कुंती को थी कहां सत्पुरुष की अंश कहां जंदूतों के डंडे कहां बादशाह का लड़का हो कहीं को डंडे खाए ऐसे कितनी शर्म की बात है। हाल इसका यह है की जनता इसमें आत्मद सदु को प्रवेश करना था जन्म के बंधन छुड़ाने थे ऐसे होकर चला गया इसकी कदर नहीं आत्मा में आकर इसकी कदर पड़ती है। ऐसे नहीं रोज रोज की बातें सुन सुनकर फिर पता चलता है कि क्या है किस लिए मिला है इसकी क्या कदर है सुनाया करते थे। एक शाहूकार था उसके पास से था अब वो चोला छोड़ गया अब जो पैसा तो खर्च हो गया तो लड़के को कहने लगी माँ कि भाई तेरे बाप का फलाना शराब एक दोस्त है ये हीरा उसके पास ले जा भेजा हम कुछ दिन गुजारा करेंगे फिर तू काम करने लग जाएगा। वो हीरा लेकर वहां गया तो शराब ने देखा कि हीरा तो टूटा है नकली है अब इसको कहता हूँ नकली उसका दिल टूट जाएगा। उनका बच्चा ये बात है इस हीरे को तीन तीन चीज को संभाल के रखा मैं तुम्हें खर्चा दे दिया करूंगा तुम आकर काम सीख ले जब सीख जाएगा तुम्हारी तनख्वाह अच्छी कर दूंगा। उसने घर लाकर हीरा रख दिया काम सीखने लग गया पांच चार सौ रुपया दे दिए गुजारा करो इतने में। जब उसने दे दिया कि अब इसको पर्स आ गई जीवन तो कहने लगा तो कहता आज कहा आया था अच्छा कहा का हीरे से अच्छे पैसे आ जाएंगे तो हीरा ले आ। जब उसने घर जाकर हीरा निकाला तो देखा तो ये तो कूड़ा है नकली है माँ को कहने लगा ये तो कूड़ा नकली है। अब उसको समझ पड़ गई ये नकली है पहले तो नहीं थी इसी तरह जितने हम काम कर रहे हैं हमारा कोई काम नहीं सब काम तो लोगों का आते हैं सब नकली हैं इससे कोई काम नहीं आना सोच लो कोई काम नहीं देना किसी ने सुबह सतगुरु की भक्ति के सच्चे नाम कह लो सतगुरु कह लो शब्दगुरु कह लो भक्ति कोई छुटकारे वाला नहीं। शास्त्र में आकर पता चलता है कि जितने काम करते हैं नकली हैं फिर होश आती है ऐसे नहीं है। लंबत पारा सतगुर बोलता आदर वाली राम नाम जुग जुग से एक ही तरीका है मालिक के पास जाने का छुटकारे का सतगुरु वृत्त आ चुका थी जुग जुग से जब से दुनिया पाई है क्या कि सतगुरु जिंदा राम ही निकालने वाला बाकी कोई जो रचना का काम है उसने काल के स्पुर किया खंड पाताल दीप सब लोहा सब काले वक्त आप रखती है ये मालिक ने आप ही फिर डाला है ये जन्म मन के बंधन छुड़ाने का काम है वो सतगुरु ने अपने हाथ में रखा है दात दात रखिया अपने जिस पावे जिससे अगर ये इस काल से पूछ के अंदर सदगुरु को प्रकट करे वो सच्चे नाम से तलक जोड़ दे तो छुटकारा होगा कर आसन मिल जाए सच्चा नाम कहो शब्द गुरु कहो राम नाम कहो बात तो एक ही है उसके बाद छुटकारा नहीं यही है जो जो भक्तों की रखता है दै पुत्र प्रहलाद गैत्री तर्पण कुछ न जाने शब्द मेल मिलाया एक ही चीज का जुड़े कोई तरीका नहीं सतगुरु बोलता
सारी दुनिया मोह माया के जाल में फंसी हुई है। क्या पुत्रों की मोहब्बत में, लड़कियों की मोहब्बत में, औरतों की मोहब्बत में और रिश्तेदारों के प्यार में, या तो ये काम किया या खीर पड़ा औरतों का, बच्चों का, कौमों का, मजलों का, सोचो, या शीर पड़ा या माया के समान इकट्ठे किए, सोच लो, या देशों के झगड़े में गुजारा, अपने छुटकारे का कोई बंदोबस्त ना किया, देख लो, अपने छुटकारे का कोई बंदोबस्त ना किया। हम वहां डेरा है अमरपुर, हरपुर रोही में फतेहाबाद के पास है, वहां शाम को खड़े थे, सरसों के सर उखाड़ रहे। एक आदमी आया, उससे पूछा कि हमें क्या हाल है, कहना जी क्या हाल बताऊं, बस एक मोह माया का नशा चढ़ा हुआ, कुछ भी वाकई ठीक है, सब नशे में है, किसी को काम का नशा, किसी को क्रोध का, किसी को लोभ का, किसी को पैसे का, किसी को ओहदे का, सोच लो, किसको औलाद का, किसको खानदान का, सब दुनिया नशे में फिर रहे, ऐसे किसी को होश नहीं। एक दिन हम इधर जा रहे थे बाहर शहर को, तो एक आदमी पागलों जैसे फिर रहा था, गोली खाई हुई थी। उन्होंने कहा ये कौन है, शास्त्री में था, उसने पूछा भाई कौन है, अब गोलियां खाई हुई नशे में आया, कहने लगा ये सब नरमा मेरा ही है, मेरे ही खेत है, तुम्हारा गांव कौन था, फलाना गांव है चिकेरिया गांव, ये है, ये सब मेरे ही खेत है, इसी सारी दुनिया नशे में फिर रही है, किसी को होश नहीं। हाँ जी चढ़ाने वाला, जम के फंदों से निकालने वाला, सिकंदर वाला सदगुरु, बाकी कोई नहीं। बाहर तो गुरु कर करके थक के छुटकारा हुआ, सोच लो, बड़े बड़े गुरु किए, सिंह ऋषि ने भी किया, प्राचीन ने भी किया, मच्छंदर ने जिस देह से निकल जाता था, सोच लो काम ने मार दिया, मन वस ना आया, वो गुरु और है, बगैर अंदर वाले सदगुरु के पर किए छुटकारा नहीं। देख लो कितने गुरु किया हमने, उसके बगैर छुटकारा नहीं, उसको तो किसने कुछ ना किया। कम साल से पूछ के अंदर जाए तब पर करे, इसका छुटकारा हो जाए, नहीं तो ऐसे जन्म बर्बाद करके चला गया। बरसलाख के अगर किसी ने जन्म से फायदा उठाया तो गुरमुख ने, अगर जन्म सफल किया तो गुरमुख ने, तत्व बेचारा क्या के अंदर सदगुरु की भक्ति की, जट चित्र गांठ खोली, सिमर करके नौ द्वारे खाली किए, ख्याल को अंकों पीछे इकट्ठा किया, अंदर सदगुरु को प्रकट किया, ये तथ्य है, ये काम करना था आकर। यहाँ से तो अलग शुरू होती है परमार्थ की। कूड़े
मन मुख दाजे पढ़ पढ़ भाई। बाहर जो कुछ नजर आ रहा है सब कूड़ है। हम रोज पढ़ते हैं कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ का संसार, कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ बैसनाथ मंडप माड़ी कूड़े, उनके पुजारी कूड़े, कूड़ सोना, कूड़ रूपा, कूड़ पहनहार, कूड़ काया, कूड़ कपड़, कूड़ रूप पार, कूड़ मियाँ, कूड़ बीवी, खपोए कुआर, कूड़ कूड़े न्यून लग्या, विचरिया करता, कृष्णा की जय दोस्ती सब जग चलनार, कूड़ मिठा, कूड़ माखियो, कूड़ डोबे, कूड़ कूड़ों की कूड़, कूड़ में खत्म हो गए, ना दुखाने गए तुझ बाजो कूड़ो कूड़। इसने सारी हम कूड़ के साथ प्यार किया, कूड़ खाया, कूड़ किया, कूड़ ही जमा किया, कूड़ के लिए जमा करने के लिए कितने जुर्म सुसम किए, कितने पाप किए, कत्लो खून किए, और किस काम मोहम्मद गजनवी ने हिंदुस्तान से तरह हमले किए, यहाँ तक कि मंदिरों का माल भी लूट कर ले गया। जब मौत आई तो कहने लगा कि जितना सामान मैंने इकट्ठा किया है मुझे दिखाओ। अब सारा सामान इकट्ठा निकाला गया, बाजारों से बाजार लगे मिलों तक, पालकी में बैठकर जाने लगा, दोनों हाथ बाहर निकाल लिए, रो पड़ा कि स्कूल के लिए मैंने हजारों औरतों को विधवा किया, हजारों बहनों के भाई को विधवा किया, हजारों बच्चों के बापों को कत्ल किया, आज ही मेरे साथ नहीं जाता। सोच लो ये कूड़ करवा रहा है, कौन करवा रहा है, जिसने काम है कूड़ के लिए कर रहा है, कत्ल खून कौन करवा रहा है, आप नरकों के अग्नि में गया, नरकों में गया, चिरासी में गया, छुटकारा ना हुआ, कूड़ के लिए सारी उम्र खो दी। क्या नरकों की आग में चढ़ना पड़ा? सिकंदर ने सारी दुनिया फतेह की। जब वापस आ रहा था तो सिस्तान के इलाके से गुजर रहा था, जैसे रेगिस्तान का इलाका है, वजीर और बादशाह आगे हैं, फौज पीछे है। बादशाह कहने लगा, वजीर मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि बुखार हो रहा है। वो तो कहने लगा, आगे चलो, शायद कोई दरख्त आए, वहां छाए में बैठेंगे। आगे गया, कोई दरख्त ना आया, फिर गया, कोई दरख्त ना आया। कहने लगे, आप मुझसे चला नहीं जाता। अब वो घोड़े से नीचे उतर पड़ा। अब वजीर क्या करे? उन दिनों में एक कोट होता था जिसे कहते जरा वक्त, बाहर लोहा अंदर जरी की तारें। वो वजीर ने अपना उतार कर नीचे बिछा दिया, उसको लेट गया। अब छाए के लिए क्या करें, ऐसी ढाल है, वो उसको सुधार कर दी। अब बादशाह ने जुम्मे से पूछा था कि मेरी मौत कब होगी, तो उन्होंने कहा कि जब लोहे की जमीन होगी और सोने का आसमान होगा। उसको झट ख्याल आ गया, पहले तो वो समझता था कब लोहे की जमीन हुई, कब सोने का आसमान हुआ, मैंने मरना ही नहीं। अब उसको झट ख्याल आ गया कि नीचे तो लोहा है, ऊपर सोने की तारें, सोने का आसमान है, फौजें आ गई, हकीम आ गए, नब्जे दिखाई। कहने लगे, बादशाह सलामत वाला वक्त आ गया। कहने लगे, मेरी माँ से मिला दो, मुश्किल है। कहता, आधा राज दे दूंगा, मुश्किल है, एक सांस नहीं दे, सारा राज दे दूंगा, मेरी माँ से मिला दो। कहते, एक सांस नहीं दे सकते। सोचो किस काम आया, बोलो, जो काम था वो तो किया ही ना। हाँ, नाम जपो दुख तारा
फरमाते हैं अगर कोई शांति देने वाली चीज है वो नाम है, वो इसके अंदर है। अगर कोई सुखों का सामान है वो इसके अंदर, वो सच्चा नाम है, उसमें अमृत है, वो शांति देने वाला है, वो नाम का दाता सदगुरु इसके अंदर है। अगर ये इस कांति से पूछकर अंदर जाए, सदगुरु को प्रकट करे, उसको सच्चा नाम पकड़ा दे, तो हमेशा की खुशी और शांति पहुंच जाए। लेकिन रुकावट क्या है, कौन अंदर जाने देता? ये मन, ये हमारा दुश्मन है। जब ये भजन में बैठता है, जब भजन में बैठता है, जब क्या कहता है कि तेरे दादे पड़दादे ये काम किया, वो क्या नहीं रीत चलाएगा। दूसरे रात को जागेगा, कल काम कैसे चलेगा, बाल बच्चे कैसे पढ़ेंगे, झट भजन से उठा देता है। सोच लो, झट भजन से उठा देता है। गीत कहते इसका कहा ना मानो, भजन करो बगैर उसके छुटकारा नहीं। अगर सुखों वाला सामान है तो इसके अंदर है, नाम के प्रयोग करने में वो नाम इसके अंदर है। नाम मिले मंत्री के बिना में तृप्ति जीवास, कोई गुरुमुख सज्जन जे मिले मैं दस से प्रगुण दास, और तीस विट चौकनियों में नाम करे प्रवास। वो नाम इसके अंदर काय नगरी में मंगल चढ़े जोगी का नाम पहले पाई। जब तक वो नाम का रस नहीं लेता, वो अमृत नहीं पीता, जिसको शांति और सुख नहीं। वो नाम फकीरों के जरिए प्रकट होता है, जिन्होंने अंदर प्रकट किया है वो हमें सिखा सकते हैं। जिस वक्र को लैंड कमाया, राम नाम संतन घर पाया, यही पर सब कहते हैं। संत ने ही नाम है, नाम से नहीं संत, नाम से नहीं संत, नाम से वही मिलावे, वह है वाकुफ का आदमी, उनकी राह बतावे। जब तक तीर्थ वक्त करे वह तेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से देखना कोई, बगैर संतों के उनकी मदद के बगैर कोई अंदर नाम को पकड़ नहीं कर सकता। उसमें ऐसा रहता है, अगर आ जाए मिल जाए तो सारी दुनिया के रस भूल जाए। हाँ जी, इस दुनिया को देखे ही ना, रामदास ने लिया वो रस, किया शांति ली। क्या लिखते हैं, वसुधा सब दीप है सागर, कंचन काट दीजिए, मेरे ठाकुर के जन इन्हें बांचे, हर मांगे हर रख दीजिए। इस दुनिया के सात समुद्र हैं, सात बादशाही हैं, और उस सारे की दौलत निकाल कर इसके सामने रखें और पूछें कि ये दौलत लेनी है या हर रस लेना है, वो अमृत पीना है, वो इस तक देखता भी नहीं, वो कहता है मैंने ये रस लेना है। मगर पिया कैसे जाता है, कैसे पिया जाता है? नौ दरवाजे नवे दर फीके, रस अमृत दसवें चीजे। ये नौ दरवाजे से निकले, जब चेतन कांड खोले, ख्याल को आंखों पीछे इकट्ठा करे, तब यहाँ का रस मिल सकता है। यहाँ से तो शुरू होता है, तब हासिल कर सकता है, ऐसे नहीं। ये काम करना था इस जन्म में आकर, काया नगर नगर है नीको, फिर सौदा रस कीजिए, ये सौदा करना था आकर इसमें। हाँ जी, अमृत नाम पहले तो मेहनत नहीं करता, अगर थोड़ी बहुत करता है ख्याल थक जाता है, सच्चा दिल लेकर जाए तब रस पी सकता, ऐसे नहीं। वो दाता इसके अंदर सतगुरु, वो भी देता है, सच्चे दिल वाले को देता है, दूसरे को नहीं। हाँ, जल्दी पर्दा नहीं खोलता। हाँ जी, अमृत नाम इतने अच्छे कर्म किए हो, सच्ची तरफ से पुकारा हो, उस पर मेल करता है, उसको कोई साधु मिलाता है। उसकी मेल के बगैर साधु भी नहीं मिलता, जैसे मीरा ने की थी, मेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोहे। क्या दर्द था उसको, क्या कमी थी? राजपाट उसके पास, गहने कपड़े उसके पास, डॉक्टर की उसके पास, नौकर चाकर उसके पास, क्या कमी थी? हर रस की, माल के मिलने की। सच्चे दिल से पुकारा,
सूर्यदास मिल गया, मेहनत की, क्या लिख दिया थे, साखड़ी गली मेरे सतगुरु मिले, किस भी मैंने नाम लचंदन पायो, जिसको पाए दुख झूले मन आनंद रे समायो, जिसकी चोरी कबू ना हो गया तो धन मैंने पायो, खर्चू ला कदमी हो सिंदर वर्ष पाया, जो सच्चे सच्चे पुकार करता है उससे मार्ग मेल करता है, उसको सच्चा नाम मिलता है, उसको कमल पीर मिलता है, वो भजन करता है, दूसरा नहीं। अगर सदगुरु की मेहर से काम साधु मिल जाए, जिसका फर्जा नाम लेकर जपे, जो प्रेम प्यार से जपता है, वो सतगुरु झाड़ पहाड़ जंगल बियाबान जहां जाओ साथ है, इसके पैर में कांटा तक लेने नहीं देता। अगर वो कर्म भी आता हो प्राण, तब ये सूर्य से सूर करवा कर खत्म कर देता है। वो ऐसा सतगुरु है, तो ये अगर जपे तब है, ऐसे नहीं, जो जपते हैं वो उसकी मेह को देखते हैं, जब मर्जी उसके साथ बातें कर लेते हैं, जो कम जपते हैं पता उनको भी लगता है कि वाकई सतगुरु स्मार करता है, प्रेमी आकर बताते हैं ऐसे सतगुरु स्मार करता है, कदम कदम से स्मार करता है, जो बहुत ही कम जपते हैं संभाल उनकी भी होती है जिनको एक दफा साधु मिल जाए लेकिन उसको पता नहीं चलता। जैसे बच्चा पड़ा है उसके मुंह पे मक्खियां हैं, वो सोया पड़ा है, माँ आती है मक्खियां हटाकर कपड़ा दे देती है, बच्चे को तो पता नहीं, इसे साधु संभाल तो सब भी करता है लेकिन जो भजन सुन करते हैं उनको पता चलता है, तो वाकई साधु संभाल करता है, कदम कदम से संभाल करता है, साथ रहता है। जिस सतगुर राखना आराए, मौत के वक्त तो जरूर इस्तेमाल करता है, जो अगर थोड़ा भी है तब इस्तेमाल करता है, प्रेमिया भी बैठा है उसके साथ दिन थोड़ा छोड़ा है, छह दिन पहले कह गया मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे कोई ना रोए, मेरे पीछे कोई ना रोए, शब्द गाते जाना, सोचो पहले कह गया। फरमाते हैं जिस्म मिट्टी आग हवा पानी आकाश का बना हुआ पंच तत्व है, जब मौत आई मिट्टी मिट्टी मिल जाएगी, पानी पानी मिल जाएगा, अग्नि अग्नि मिल जाएगी, आकाश आकाश में, हवा हवा में, यही सन लिखा है, दस दव आठ एनर्थ दस शर्ट दव रिटर्न, जिसम मिट्टी से बना मिट्टी मिल जाएगा। ये जिसने तो जाना है इसे काम ले लो, मसाज सुनाया करते थे, ये नौकर है इसे काम ले लो, ये है हमारा नौकर, लेकिन नौकर हमसे काम ले रहा है तो हमारा नौकर, इसे काम लेना था वो हमसे काम ले रहा है, सारी उम्र इसके पाल में गुजारी, इसकी सेवा में गुजारी, मसाज सुनाया करते थे। एक दफा हम बलोचिस्तान में सिमरन करते करते बाहर निकल गए, क्या देखते हैं कि जंगल में एक लालटेन जल रही है, वहां हम गए, वहां क्या देखा, एक आदमी प्यार से ऊंट को खिला रहा है, तो मैंने पूछा ये क्या, कहने लगा इस वक्त ये मेरा दादा, मैं इसकी खूब सेवा करता हूँ, और सुबह को मैं इसका दादा डंडा खाता हूँ, 10 रुपए कमाता हूँ,
फकीर ऐसी बातें अंदर रख लेते हैं। उनका ने फरमाया कि देखो भाई, उसने ऊंट को खिलाकर दाखिल कर फरमाए, हमने इसको खिलाकर क्या निकाला, सारे मुनि की सेवा की, इससे राम नाम निकालना था वो तो निकाला ही ना, सोचो काम तो इसने ये करना था, इसको खिला के दुनिया काम भी करने थे, इसको पाल के राम नाम निकालना था, अगर राम नाम ना निकाला तो किस काम, फिर कल को आग में चला जाएगा, जान बजाना दे वगरना अस्तुबिस्तान दजल खुद तो मुनशुबाश है दिल इन को या निको। मतलब लिखता है कि जान ने तो जाना है, क्या सतगुरु के हवाले कर दे क्या जिंदुत्व के हवाले कर दे, तो आप ही सोच सतगुरु के लेखे लगाए, सतगुरु के हवाले करे वो अच्छा, कि जिंदुत्व के हवाले करे माउत के हवाले करे वो अच्छा, विशाल लिखते नाम जब थोड़ी भला क्यों छे पड़े जिचाम कंचन दे किस काम की जा मुखना ही ना, अगर इसको पाड़ा सारे उससे जाया पाड़ा, अगर राम नाम ना निकाले किस काम, इसे तो कोई भी अच्छा जिसने नाम जपा, इससे काम ये लेना था क्या, राम नाम निकालना था पाल के, वो तो काम ही ना किया, अखीर तक किसी की सेवा करता है, दे प्यारी जीव को निर्दन सेवा मैं दादू जीवन मान लो कबू छा लेना है, अखीर दाम तक किसी की सेवा करता रहा, इससे निकाला कुछ ना फायदा कोई ना उठाया। हाँ जी मनमुख है, पत्थर की तरह है, फकीर होकर मार मार के चले गए, इससे कुछ फायदा खा लो तो सुनता ही नहीं, इसके हृदय पत्थर की तरह है, जब पत्थर पे पानी पड़ता है तो कोई असर नहीं अंदर, इसके अंदर भी असर कोई नहीं, कोई गिरला असर करता है। हाँ अंदर सदगुरु खुश ना किया, जो काम देने वाला था या तो विषय कारों में जिंदगी खोई, या वो काम किए बाहर के साधन जप तप तीर्थ वगैरह, जिससे मन को तकलीफ ना आए, तन को तकलीफ ना आए, अंदर ना जाना पड़े, सोच लो विषय कार न छूटे हैं, उसका नतीजा अगर अच्छे कर्म भी किए उसका नतीजा क्या है, अच्छी जून या ज्यादा स्वरूप, छुटकारा नहीं। हाँ करे मोते नरक स्वर्ग अवतार पहले बताया कि मन रुकावट है, आप माते हैं माया रुकावट है, मन और माया का उसमें मेल है, ये मन निकला ही माया से है, ये मन पंचतन से जन्मा, हर एक चीज अपनी असली की तरफ जाती है, ये मन बार बार माया की तरफ जाता है, मन माया में रम रहे हो रोज पढ़ते हैं, मन माया में रम रहे हो नित्य नहीं रे मीत, नानक मूर्त चतुर्यों छंड नहीं की, जैसे दीवार पे तस्वीर है उसको लग करो कहो भी परे हो जा परे हो सकती है, इसी तरह मन भी माया को नहीं छोड़ता, बार बार माया की तरफ जाता है, और दुनिया की ख्याल भी छोड़ता है, घर बार भी छोड़ जाता है, आगे फिर माया पकड़ लेती है, मन माया ना तजे उल्ट फिर लाता, जो जहाज का काल जहाज का मारे मिटे न छूटे सेव कर्म की, अरे न पलटू छूटे न जीती सोए, पड़ी है जन्म की जन्म जन्म की माया के कर्म छोड़ता ही नहीं, निकला जो माया से है माया की तरफ बार बार जाएगा, जब भजन में बैठता है तो माया के ख्याल इसको बैठने नहीं देते, वो दुनिया की रब्बी मोड़े वेले थे तुझे वे, वो ख्याल सामने आ जाते हैं, अगर जरा से एकाग्रता होती है
तो झट ख्याल इकट्ठा हो जाता है, माया काल निकालने का निकाल लेता है। देख लो ये सब ये कहते हैं, मैं जानू हरि सो मिलू, मैं मन मोटी आस, हर उसी डारे अंतरा, माया बड़ी पिता चल बड़ी भूतनी है, मौके से लिए खड़ी हो जाती। किसी बिल्ले ने काबू किया है मन को, किसी बिल्ले ने माया का प्यार छोड़ा है। ध्याता अध्याय कैसे मिले, बीच ना हुए ध्यान, तीनों एक हुए बिना लहे न पर निर्वाण। सारी दुनिया के सारे कहता है माया एक सपनी है जो सब ध्यान को लिपटी हुई है, सबको खा गई। कबीर माया मन की मोहनी, सुन न रह लपाए, माया सबको खाता है, माया कोई न खाए, सबको खा गई। कबीर माया मन की मोहनी, मोहे जान तू जान, खाते हूँ छांडनी तक तक मारे बाण। जट पर राज छोड़ा, तपस्या करने जंगलों में गया, वहां क्या हुआ, चौकी बनाकर तपस्या करने लगा, वहां एक मृगिनी आने लगी। अब मृगिनी से प्यार पड़ गया, औरतों का प्यार छोड़ा, लड़कियों को छोड़ा, लड़कों को छोड़ा, मृगिनी से पड़ गया। सोच लो जब वो मृगिनी मरी, उसके वियोग में मोह मरा, अब जहाँ आता तहाँ आता, मिर्की जूनी मिली, क्या फायदा हुआ, इसको चल गया। सोचो मारे पकड़ लिया ना, ये छोड़ती नहीं जाती, मुश्किल से वो छोड़ सकता है, इसको वो छोड़ सकता है जो अंदर गया है, शब्द का रस ले, नाम का रस ले, बाकी कोई नहीं छोड़ सकता। जब तक साधु मेहनत ना करे तो साधु नहीं मिलता, जब तक साधु का संग नहीं, माया का प्यार नहीं हट सकता, मालिक का प्यार नहीं काट सकता, मालिक की भक्ति का रंग नहीं चढ़ सकता। जिन चाख्या जिन संता संगत मानव से प्राप्त महापवित्र साध का संग जिसके चित लागे प्रभ्रम। जैसे किसी जैसे सोच में जाते हैं वैसे रंग चढ़ता है। जिन्होंने माया का प्यार छोड़ा, अंदर शब्द का रस लिया, नाम का रस लिया है, माल का प्रेम कमाया, उनके संग में जाकर ही भक्ति का रंग चढ़ता है, माल का प्यार उठता है, माल की भक्ति होती है, और कोई तरीका नहीं। हाँ जी सुख नहीं, कहीं शांति नहीं, अगर है तो प्रयाना दो दिन आया तो वक्त खत्म, अब सच्चा सुख है सच्ची शांति है तो नाक से प्रकट करने हैं। परमात्मा हैं कि जो ताकत है, जो मनमुख है, वो सुख और शांति माया और माया के समानों में तलाश करते रहे, उनको सुख कहां, वो माया के काम में रहे, सड़ते आए सड़ते चले रहे, मोरी के कीड़े, मोरी में पैदा हुए, मोरी में गुजार गए, मोरी में मर गए, यही हाल इनका है। अंतर अपे कपा
कैसे किसे हैं, आवे जाए तो माया सर, जो चीज बनती गिरती है वो सारी माया, उपजे बिनते गुंधरे ये माया का रूप, जिसका नाम माया, विद्या सब माया का खेल है। पहले की एक बूटा पैदा होता है, फिर फलता फूलता है, फिर खत्म हो जाता है, यही हाल सब जीतों का, त्रिलोकी तक यही हाल है, पहले पैदा होते हैं, फलते फूलते हैं, फिर खत्म, जितना त्रैगुणा है सब माया का खेल है, फिर सारी दुनिया माया के खेल में खत्म होगी, इसका पार उतारा ना हुआ, सब माया के चक्र में त्रिलोकी तक, कोई किसी का छुटकारा नहीं हुआ। माया के पीछे इसने कुत्तों जैसे काम किए, बिल्लों जैसे काम किए, सूरों जैसे काम किए, और फिर कहाँ गया, कुत्तों की जूनी में, बिल्लों की जूनी में, सूरों की जूनी में, और गंदी जूनी में। ये माया ऐसी चीज है, पौंक मरे पौंक पौंक हार है, आपने देखा होगा कई दफा जीत जाती है, कुत्ते पीछे भौंकते जाते हैं, जीत निकल जाती है, कुत्ते भौंकते वापस आ रहे, हाथी जाता है कुत्ते भौंकते हैं पीछे जाते हैं, हाथी निकल जाता है भौंकते भौंकते फिर वापस आ जाते हैं, ये किसी के भी हाथ में चढ़ी सोच लो, हड्डी है, हड्डी की तरह है ये, एक कुत्ता उठाता है वो चबाता है, हड्डी वहीं की वहीं उसके मुंह में ही कहीं लगता है, वहां से खून निकलता है, उसका रात आता है, सोच लो, एक दूसरा ले जाता है उसके हाल ही है, बस ये हाथ किसी के भी नहीं चढ़े, सोचो सारी दुनिया के ही हाल, सब माया के पीछे भागे, किसी के हाथ भी नहीं चढ़ी, सब की मिट्टी ली थी इसने। प्रेम ने बात सुनाई, कहने लगा एक जानवर मरा पड़ा, कुत्ते गिद्धे आई, कुत्ते आए तो सारे उसको खाए, एक कुत्ता आया उसने गिद्ध को पकड़ लिया, ऊपर से दूसरी पड़ने लगी, बस यही हाल है सारी दुनिया, जैसे वो मांस पड़ा है उसमें कभी कुत्ते कभी कोई सारे हमला करते, यही हाल कर रहे सारी दुनिया की हाल हो पड़ा। हाँ जी, जिसका मन झूठा है, तन पापी है, ऊपर ऊपर से क्या बनता है, ऊपर ऊपर से मालक का गाग बनता है, अंदर तो माया का है, माया की लगी पड़ी है सबको, और फकीरों के पास जाता भी है सब माया के पीछे, ऐसी दुनिया भरी दीवानी, भक्ति भाव नहीं पूजे जी, कोई आवे तो बेटा मांगे यही दुसाई दीजिए जी, कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी, कोई करावे ब्याह सुनाई भेंट रुपया लीजिए जी, सांस का कोई ग्राहक नहीं, झूठे जगपति जय जी, कहें कि सुनो साधो अंधो कर दीजिए जी, सारी दुनिया माया की ग्राहक है, मालिक का कोई ग्राहक नहीं, कोई बिरला है, कोई बिरला निकलेगा सब माया की ग्राहक, हाँ अगर माया मिल गई दुनिया काम हो गए तो फकीर बड़ा अच्छा, अगर ये ना मिली तो बस कुछ नहीं। हाँ,
मन तन झूठे पूरा माने हमारा दुश्मन है, ये नहीं टिकने देता, इसके साथ मुकाबला करना पड़ता है। अगर मुकाबला करके सिमरन करे, सिमरन करके नौ द्वारे छोड़े, ख्याल को पीछे इकट्ठा करे, या ससुर आ जाए, वो इसको सच्चा नाम पकड़ा दे तो इसको सीधा रास्ता मिल जाए, ये शांत हो जाए। उस नाम में ऐसा रास्ता है, उसके मुकाबले कोई रास्ता नहीं। प्रीदा शक्कर खंड नवात गुड़ माख्यो माजा दुध सभ्य वस्तु मिट्टियां रब न पूजन, उसके मुकाबले कोई लज्जत नहीं। सब लज्जत की लगने लग जाए, फिर दुनिया की तरफ ख्याल ही नहीं आता अगर वो लज्जत आ जाए। हाँ कोई चीजा नहीं उसके टिकने का। हाँ मेहनत करते अंदर जाए सदगुरु प्रगट करे तो वो नाम मुल्क से मुल्क वस्तु है। तरलोकी की दौलत दे दो वो नहीं मिलती। ये तो प्रेम से कमाई करने की चीज है, मेहनत से करने की चीज है, जबरदस्ती नहीं मिलती। ना जबरदस्ती मिलती है ना पैसे से मिलती है। अगर पैसे से मिलती तो रावण जैसे ले लेते। सोने की लंका के मालिक थे, बड़े बड़े शाहूकार पड़े हैं। कर जिसने अंदर इसका गाह कोई नहीं, वो तो देने को तैयार है। ये तन का प्यार छोड़े, विषय विकार छोड़े, मेहनत करे अंदर जाए तो देने को तैयार है। अगर दाते के पास पहुंची कोई ना तो कैसे दे। वो दाता जिसके अंदर है आंखों के पीछे आए, यहाँ से नीचे नहीं आता। यहाँ आए तो दे, सदगुरु सबको देता है, लेता ना ही कोई, लेता ना ही कोई, चीज को धरे हो तैयारी। वही शख्स को मिले जिन्होंने आसत मारी, जिन्होंने दुनिया की आसत विषय छोड़ी, विषय विकार छोड़े, तन का प्यार छोड़ा, सिमरन करके ख्याल को पीछे इकट्ठा किया, यहाँ आए उस दोनों तो लिए खड़ा है। जो मांगो तो देने को तैयार है। जिसने ये दौलत हासिल कर ली, अंदर सदगुरु को प्रकट कर लिया, उसके नाम से तलक जोड़ लिया, उसका दर्जा मिल जाता है, उसकी इज्जत है, उसको देवी जैसे भी नमस्कार करते हैं, जिससे जिससे जाओ उसको मुबारकबाद देते हैं कि धन है तू जो मोह माया छोड़ के देश में आया है। अब अखीर में गुनाह सब समाते हैं कि वो राम नाम, वो राम न्यारा राम कह लो, अकाल पुरख कह लो, सतपुरुष कह लो, जिस नाम रूप में सब जगह रमा हुआ है, रोम रोम रवे हर नाम, वो कैसे मिलता है। साधु की शरण में जाकर शरण लेनी मुश्किल है, नाम जपना भी आसान है। उसमें मन अहंकार करता है, कमाई में अहंकार है, लेकिन शरण मुश्किल है। शरण क्या, हुक्म
का पाबंद रहना, हुक्म में चलना, उसका नाम शरण है। मुर्दा होए मरीज ना गली होवना, सबर सिद्ध शहीद परंपरा होना, कि मुर्दे जैसा बने अपनी अकल छोड़ दे, ज्ञान छोड़ दे, तन का प्यार छोड़ दे, हुक्म के मुताबिक अनुसरण करे, रोज बैठे राम नाम साधु सुनाई, सतगुरु वचनी गत में पाई, उस साधु के अंदर सतगुरु बोलता है प्रभु जी रहते साथ की रचना, गुप्ता है गुप्ता लगभग मुसलमान कहते हैं, वो मालिक साधु के जरिए आकर बोलता है, समझाता है क्या अंदर तेरा सतगुरु तेरे अंदर है, तेरे अंदर सच्चा नाम है, तेरे अंदर शब्द गुरु है, तेरे अंदर अमृत बरस रहे हैं, उनके हुक्म के मुताबिक भजन करे तभी हासिल कर सकते ऐसे ही है। असल बात तो यह है, दो लफ्ज और एक बता देता है, लफ्जों पे नहीं, इन्हीं लफ्जों को नाम शांति है, ये लफ्ज एक साधन है ये ख्याल निकालने के लिए, किसी सिमरन से भी आप आंखों तक आ सकते हैं, मगर यहाँ आकर भी धोखे हैं, जो काम साधु के जरिए नाम बताया जाता है, जैसे सच लगता है पुरानी जगह का ये, इसी तरह अगर इसको काम साधु मिल जाए तो सच में नाम नहीं का इसको सच लग सकता है और कोई तरीका नहीं, बल्कि सतगुरु साधुओं के रूप में आकर इसको पकड़ाता है, ये शब्द दे रहा है, और जिस वक्त वो नाम देते हैं का बताते हैं, इसके अंदर एक शब्द का इंजेक्शन देते हैं, नाम का इंजेक्शन देते हैं, जो आत्मा में दिया जाता है उसका नाम असली नाम है, वो बीज है, वो बीज जब तक वो नहीं, वो प्योंद कह लो बीज कह लो जो कुछ कहो, उसका नाम इनिशिएशन है, उसका नाम बैठ होना है, उसका नाम जिया जाना है, वो किसी काम साधु के जरिए हो सकता है, गुरु का शब्द गुरु से टिके होते प्रकट ना हो, ईसा ने कहा है दैट इज बॉर्न ऑफ द फ्लैश इज फ्लैश That is born of spirit is spirit. जैसे मास से मास पैदा होता है, इस तरह जागी रूह से रूह जाती है, बाहर भी देख लो, हम आपसे कोई वचन कहते हैं, कोई बात करते हैं, अगर क्रोध से कही तुम्हारे अंदर अग्नि आई, क्रोध आया, अगर वही प्यार से कहे वचन तो प्यार आया, तो क्यों, अगर फकीर के अंदर नाम है, प्रेम है मालिक का, तो इसके अंदर वो चीज जाएगी शब्द के साथ, अगर वो आप ही काम क्रोधी है तो उसके वचन के साथ ही वही आएगा। आते हैं कि अगर कोई माल की मेर से साधु मिल जाए, नाम मिल जाए, तो तेरा फर्ज क्या है, बस उठते बैठते चलते फिरते नाम जप, तब तेरे छुटकारे का बंदोबस्त हो जाए, तो अपने घर पहुंच जाए, जन मन के बंधन छूट जाए, ये तरीका है माल के पास जाने का, कोई तरीका नहीं।